रविया भी फर्क नहीं। कहते हैं जब बदलाव की आंधी बहती है, सालों पुराना गुरूर टूटता है। पहचान बदलती है, पुरानी विरासत मिट्टी में मिल जाती है। 5 साल पहले अमेठी में गांधी परिवार को इसका एहसास हो चुका है। अब 2024 का संग्राम है, अहम सवाल है कि क्या अमेठी में फिर राहुल और स्मृति ईरानी की टक्कर होगी। वायनाड से पर्चा भर चुके राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनावी जंग का जोखिम उठाएंगे? आखिर अमेठी को लेकर कांग्रेस आला कमान के मन में चल क्या रहा है? सवालों के बीच सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अप्रैल की शाम अमेठी से राहुल गांधी के उम्मीदवारी की घोषणा हो सकती है। 26 अप्रैल को ही केरल के वायनाड में वोटिंग होनी है। अमेठी में 26 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया जो 3 मई तक चलेगी। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कहा जा रहा है कि दक्षिण में सियासी फायदे के लिए फिलहाल अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की जा रही है। मामला जो भी हो, अमेठी में सियासत सरगर्म है। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर को लेकर क्या कहती है वहां की आम जनता, आइए सुनते हैं। अमेठी में जो विकास कार्य हुआ हो, गांधी परिवार और राहुल जी की देन है। सांसद जी ने क्या किया है बताइए? केवल साढ़ छोड़ दीजिए, साढ़ और सड़कें की हाल खस्ता है गांव में। जब गांव की गलियां चमकेंगी तब किसान सुखमय होगा, तब देश विकसित होगा। जब उनको पूरा एहसास हो जाएगा कि वायनाड भी चुनाव हार चुके हैं, तब अमेठी की तरफ मुख करेंगे। आप कहने का मतलब है तो अमेठी में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था, क्योंकि अमेठी के जनता के साथ उन्होंने बहुत बार छल किया है। गांधी परिवार ने अमेठी क्षेत्र में जो कार्य किया है, देश नहीं दुनिया के नक्शे पे है। लोग जानते हैं अमेठी में जो कुछ विकास हुआ, चाहे स्टेशन हो, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, ट्रिपल आइट रही, वो उसके अलावा खाद वो नीरजल है, तमाम फैक्ट्रियां, तमाम सड़कें, तमाम उद्योग धंधे, कल कारखाने उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया गया था। राहुल गांधी जी ने अमेठी को सेकेंड वरीयता पर रखा है, फर्स्ट पे इन्होंने वायनाड को रखा, तो अमेठी की जनता भी उनको सेकेंड वरीयता पर ही रखेगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने वायनाड को दी। अगर ये अमेठी आते हैं, मान लीजिए जीतते हैं, तो सेकेंड चुनाव का माहौल रहेगा, तो इसे अच्छा अमेठी की जनता का है सेकेंड चुनाव कराएगी। 5 साल पहले अमेठी में देश का सबसे ताकतवर सियासी परिवार हारा। गांधी परिवार के नाम से जानी जाने वाली अमेठी की पहचान बदली। राहुल गांधी के सामने हारे हुए किले पर फिर से फतेह की चुनौती है। अगर राहुल फिर अमेठी में खड़े हुए तो उनका मुकाबला फिर स्मृति ईरानी से ही होगा। अमेठी में स्मृति फैक्टर के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 और 2009 में राहुल गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी ने राहुल के जीत के अंतर को 1 लाख वोटों तक कर दिया। 2019 में तो स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा ही दिया। एक बार फिर उसी मुकाबले की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर कांग्रेस इंडी गठबंधन की हार सुनिश्चित है। राहुल गांधी लड़े, अभी 2-3 दिन पहले तो उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि अमेठी से लड़ना चाहते हैं। तो क्या राजनीति को लेकर परिवार में संघर्ष शुरू हो गया है? क्या आपस में बातचीत नहीं होती कि मीडिया फोरम पर टिकट मांगा जा रहा है? दरअसल जब हार सुनिश्चित होती है तो ऐसा ही होता है। राहुल गांधी जी के लिए शॉर्ट नोटिस जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो लगातार पिछले 2 सालों से सड़क पर ही हैं, जनता से ही मिल रहे हैं, सबसे बात ही कर रहे हैं। तो इधर वायनाड और अमेठी वो उनके लिए बहुत मसला नहीं है। मसला आज की डेट में ये है कि राहुल गांधी जी न्याय की आवाज़ को इस देश के हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं। मसला ये है कि राहुल गांधी जी आज की डेट में जो अपनी 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं उसको हर आदमी तक लेकर जाना चाहते हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। बाकी चुनाव लड़ने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, वो जैसे जब चाहें जैसे चाहेंगे वो चुनाव लड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि गांधी फैमिली अपनी पारंपरिक सीट से हारी नहीं है। 1978 में अमेठी से संजय गांधी की हार हुई थी, लेकिन 1980 में उन्होंने फिर इसी सीट से जीत हासिल कर ली थी। अब सवाल राहुल गांधी का है, क्या राहुल गांधी अमेठी में कमबैक कर पाएंगे या फिर 2024 में फिर रिकॉर्ड बनेगा? लगातार दूसरी बार गांधी परिवार के गढ़ में हार का रिकॉर्ड। टीम न्यूज़ नेशन।